नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T144W versus Realme Narzo 50A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T144W में 6.33 इंच जबकि Narzo 50A में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो T144W में 2.9 इंच जबकि Narzo 50A में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो T144W में 0.33 इंच जबकि Narzo 50A में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि T144W से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो T144W में 182 ग्राम्स जबकि Narzo 50A में 207 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि T144W से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T144W में AMOLED जबकि Narzo 50A में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो T144W में 6.44 इंचेस जबकि Narzo 50A में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T144W में 1080x2400 और Narzo 50A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T144W में 84.49% जबकि Narzo 50A में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T144W में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Narzo 50A में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T144W में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 50A की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो T144W में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Narzo 50A की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो T144W में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Narzo 50A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो T144W में Adreno 610 जबकि Narzo 50A में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो T144W में Qualcomm Snapdragon 680 और Narzo 50A में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो T144W में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो T144W में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो T144W में अप टू 1TB जबकि Narzo 50A में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो T144W में Android V12 जबकि Narzo 50A में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी T144W में 5000mAh जबकि Narzo 50A में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
T144 वॉट में 3 कलर्स जबकि नाजो 50A में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T144 वॉट में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 50A की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo T144 वॉट में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 50A की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में T144 वॉट आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T144 वॉट आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Realme Nazo 55G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16K है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।